हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। स्कूल से संबंधित एक नोटिफिकेशन आया है, किन राज्यों में स्कूल 21 सितंबर से खुलने वाले हैं उसके विषय में एक जानकारी है जिसको आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो नोटिफिकेशन क्या है, आइए देखते हैं कि 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, जिसके लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। क्या दिशा निर्देश हैं और वो कौन से राज्य हैं जिनमें 21 सितंबर से स्कूल खुले जा रहे हैं, आइए देखते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। कौन से स्कूल किन राज्यों में स्कूल खोले जाएंगे, गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति दी गई है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से कुछ शर्तों और पाबंदियों के साथ स्कूली गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलना अनिवार्य नहीं है, स्कूलों को खोलना अनिवार्य नहीं है। पेरेंट्स पर यह निर्भर करेगा और उस राज्य पर निर्भर करेगा कि स्कूल खोले जाए या नहीं। तो है लिखा है कि हालांकि स्कूलों को फिर से खोलना अनिवार्य नहीं है और इस बारे में फैसला राज्यों को करना है, स्कूल खुलेगा या नहीं, कैसा वहाँ का माहौल है कोरोना के संक्रमण की वजह से, कितने केसेज निकल रहे हैं पर डे के हिसाब से, उसके हिसाब से स्कूल खोलने का राज्य निर्णय लेंगे। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 21 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। आइए देखते हैं कौन से राज्य हैं। सबसे पहले है असम। सोमवार से कक्षा 9 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए अगले 15 दिनों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू होंगी, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। असम में स्कूल खोले जाएंगे कक्षा 9 और 12 के लिए, ठीक, कक्षा 9 से 12। 15 दिनों के लिए पहले बोला गया है स्कूल खोलने के लिए, 15 दिनों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और उसके बाद समीक्षा की जाएगी कि क्या स्कूल खोलना बेहतर चल रहा है या नहीं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में काफ़ी दिन पहले से ही स्कूल खोलने की कवायद शुरू की जा रही है। दिल्ली की तरह ही यहाँ के सीनियर छात्र भी जरूरत पड़ने पर अपने स्कूल जा सकेंगे, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा के करनाल और सोनीपत में 2 सरकारी स्कूल पहले ही ट्रायल के तौर पर खुल चुके हैं। उन्होंने छात्रों को रंगों के आधार पर समूहों में विभाजित किया है ताकि वे और उनके शिक्षक सामाजिक दूरी बनाए रख सकें। फिर है आंध्र प्रदेश। कंटेनमेंट जोन के बाहर के सरकारी निजी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान ही फिर से खुलेंगे। फिर है जम्मू कश्मीर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में स्कूल 21 सितंबर से आंशिक रूप से फिर से खुलेंगे। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने सीनियर छात्रों कक्षा 9 से 12 को शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में आने की अनुमति देने का फैसला किया था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में 5 अक्टूबर से पहले स्कूलों को आंशिक तौर पर नहीं खोला जाएगा। पहले क्या कहा गया था कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल दिल्ली में खुले रहेंगे, टीचर के पास बच्चे आएंगे और जो उनके डाउट होंगे, जो उनको पूछना होगा वो पूछ सकते हैं, परंतु सरकार ने फिर मना कर दिया। और इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड में कक्षाएं फिर से शुरू नहीं होंगी। इन राज्यों ने पहले ही मना कर दिया है स्कूल खोलने से। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं खोलने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि सरकार ने इसके लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी स्कूल खोलने से संबंधित कुछ न्यूज़, कौन से राज्य स्कूल खोलेंगे और कौन से नहीं खोलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को, वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले और जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।